फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया, कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1868, यानी 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेस। स्पेस की क्या होती है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। अगला है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इनपुट। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टोफर लेथम ने। क्रिस्टोफर लेथम ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। अगला है, कीबोर्ड की F1 की किस कार्य के लिए रिजर्व होती है, कीबोर्ड की जो F1 की होती है वो किस कार्य के लिए रिजर्व होती है। तो वो होती है हेल्प के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका थर्ड, हेल्प के लिए। अगला है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 12। तो इसका राइट आंसर होगा 12, ठीक है। अगला है, कीबोर्ड पर कुल अल्फ़ाबेट कीज होती है। तो इसमें देखो, कीबोर्ड पर कुल कीज़ कितनी होती है ये नहीं पूछा गया है, ये है कि कीबोर्ड पर कुल अल्फ़ाबेट कीज़ की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट कीज़ की संख्या होती है 26। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26। अगला है, कीबोर्ड पर कुल न्यूमेरिकल की होती है, कुल कितनी न्यूमेरिकल कीज़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 17। कीबोर्ड पर कुल कितनी, 17 न्यूमेरिकल कीज़ होती है। अगला है, न्यूमेरिक की कीबोर्ड पर किस साइड होती है, न्यूमेरिकल कीज क्या होती है, कीबोर्ड पर किस साइड होती है। जो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड के दाएं तरफ, कीबोर्ड के दाएं तरफ क्या होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है। अगला है, न्यूमेरिकल कीज ऑफ करने पर न्यूमेरिक की किस की के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा एरो की के रूप में कार्य करती है। न्यूमेरिकल कीज को ऑफ करने के बाद वो किस की के रूप में कार्य करती है, एरो कीज के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की स्पेशल पर्पज की है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है स्लिप की, पावर की और प्रिंट स्क्रीन। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये सभी कीज क्या होती है, स्पेशल पर्पज कीज होती है। अगला क्वेश्चन है, विंडो की किस की श्रेणी में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पेशल पर्पज की। विंडो की क्या होती है, स्पेशल पर्पज की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस की का कार्य किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉज या ब्रेक की, ठीक है। पॉज या ब्रेक की का कार्य क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का होता है। अगला होता है, निम्न में से कौन सी की टॉगल की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की टॉगल की है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये सभी, यानी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों ही क्या होती है, टॉगल कीज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉगल की कुल कितनी होती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉगल कीज की संख्या कुल कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होती है 3, ठीक है। 3 क्या होती है, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉगल कीज की संख्या होती है। और वो कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अगला है, निम्न में से कौन सी की कर्सर कंट्रोल की श्रेणी में आती है। इसके जो ऑप्शन है, एरो की, सेकंड है नेविगेशन की, और थर्ड है फर्स्ट व सेकंड दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट व सेकंड, यानी एरो की और नेविगेशन की, ये दोनों कीज क्या कहलाती है, कर्सर कंट्रोल कीज कहलाती है, ठीक है। तो आज ये 15-16 क्वेश्चन की हमने बात की इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।